जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई एक मुठभेड़ में जवानों ने दो आतंकियों को ढेर कर दिया। इनमें 14 साल का आतंकी मुदस्सिर भी शामिल है। इस आतंकी ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बल के 3 जवान घायल हो गए। श्रीनगर के मजगुंड में अर्धसैनिक बल और जम्मू कश्मीर पुलिस ने इन आतंकियों की घेराबंदी की थी। इसके बाद दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। सुरक्षा बलों के ऑपरेशन के दौरान पत्थरबाजी भी हुई, जिससे आतंकी ऑपरेशन पर असर पड़ा। जानकारी के मुताबिक शनिवार को मजगुंड में CRPF और कश्मीर पुलिस कासो के तहत सघन तलाशी अभियान चला रही थी। इस दौरान 2 से 3 आतंकी फंस गए और सुरक्षा बलों पर फायरिंग करने लगे। सुरक्षा बलों की ओर से जवाबी फायरिंग की गई। इस गोलीबारी में 14 साल के आतंकी मुदस्सिर और एक अन्य आतंकी को सुरक्षा बल ने ढेर कर दिया। कुछ महीने पहले मुदस्सिर अपने घर नाजिन बंदीपोरा से गायब हो गया था। पिछले हफ्ते सोशल मीडिया पर फायरिंग करते हुए उसका फोटो वायरल हो रहा था। बता दें, घाटी में सुरक्षा बलों ने इस साल अब तक 225 आतंकी मार गिराए हैं। सेना के उत्तरी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने बताया कि घाटी के स्थानीय लोग सेना की मदद कर रहे हैं। इसी का नतीजा है कि जवान बड़ी संख्या में आतंकियों को मार गिराने में कामयाब हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।